हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक ये सिंगल कलर की डिजाइन बताने वाली हूँ। आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए या बच्चों के स्वेटर में, या आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकती हैं, या आप इसको बॉर्डर की तरह भी यूज कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा। ये इसकी सीधी साइड है और फ्रंट साइड जिसको हम बोलते हैं, और ये इसकी रॉन्ग साइड है जो पीछे की तरफ आएगा। तो ये देखिए, बहुत ही इजी। इसके लिए आपको 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और प्लस 2 लास्ट में। तो इसी के जस्ट ऊपर मैं आपको बना के इसको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही इजी, केबल जैसा डिजाइन सुंदर लगता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। तो इसके लिए देखिए, मैंने इसमें 33 फंदे समथिंग डाला है। तो अब ये देखिए, पहला फंदा उतार के ये दो फंदे उल्टे हम बिन लेंगे, ऊन पीछे करेंगे, और ये देखिए इसको हम सीधा बिनेंगे और फिर सिलाई पीछे ले जाके ये जो पीछे की तरफ है इसी में हम इस तरह से पीछे बिनेंगे। एक फंदे का दो फंदा करेंगे और दो उल्टा, ऊन पीछे सीधा बिनेंगे। फिर इसको ये जो पीछे की साइड है देखिए, यहां से इसको ऐसे और ये सीधा बिन देंगे। तो ये एक फंदे का दो फंदा हो गया, ऊन आगे और ये एक दो, ऊन पीछे ये सीधा बिनेंगे, सिलाई पीछे करेंगे। और इसी फंदे को देखिए, इस फंदे को मैंने गिराया नहीं है, इसी फंदे को हम ये पीछे की तरफ भी लेके ये एक फंदे का दो फंदा कर देंगे, ऊन आगे एक दो, पीछे ऐसे, फिर ये ऐसे, ऊन आगे एक दो, उल्टा, ऊन पीछे एक सीधा। फंदे को गिराइए नहीं, ये जो फंदा हमारा रहता है इसमें पीछे की तरफ ये ऐसे, ये देखिए सिलाई, ये फंदा बना है सिलाई पीछे की तरफ। इसी फंदे में एक फंदे का दो फंदा करेंगे, तो एक बार हमने सीधा बिना और एक बार पीछे की तरफ से इसको बिन के एक का दो कर देंगे, ऊन आगे एक दो, ऊन पीछे एक दो, ऊन आगे एक दो, उल्टा, ऊन पीछे ये सीधा ऐसे, फिर इसी को हम पीछे की तरफ से बिनेंगे ऐसे, ऊन आगे दो, उल्टा, ऊन पीछे ऐसे और ऐसे, ऊन आगे दो, उल्टा, ऊन पीछे, देखिए सीधा। इसी को फिर सिलाई पीछे ले जाके इसी फंदे को हम पीछे से ऐसे बिन देंगे, ऊन आगे एक दो, पीछे सीधा और ये, और लास्ट में दो फंदा उल्टा। स्टार्टिंग में भी दो हमने उल्टा रखा था और लास्ट में भी ये दो फंदा उल्टा। अब इसकी रॉन्ग साइड, तो ये देखिए, पहला फंदा उतार के दूसरा हम इस तरह से सीधा बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो दो फंदे हमने बढ़ाए थे, एक के दो किए थे, इसको हम दोनों को एक संग बिन देंगे, ऊन पीछे दो सीधा, ऊन आगे दो, फंदा एक साथ जो हमने बढ़ाए थे एक फंदे के दो फंदे ऐसे, ऊन पीछे सीधा, ऊन आगे, देखिए ये जो दोनों बढ़ा हुआ फंदा है इन दोनों को एक संग हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे, ऊन पीछे एक दो, ऊन आगे, ऊन पीछे दो सीधा, आगे दो का एक, पीछे दो सीधा, ऊन आगे, ये दो का एक जो फंदा हमने बढ़ाया था, ऊन पीछे आगे दो का एक, पीछे दो सीधा, दो का एक,
पीछे। पीछे फिर पीछे दो का एक, ये देखिए दो सिलाई कंप्लीट हो गई। इन्हीं दो सिलाई को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनाना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतार के एक फंदा ये उल्टा, किनारे पे दो फंदा उल्टा मैंने रखा है। और अब देखिए ये जो एक फंदा आएगा इसको हम एक बार ऐसे सीधा बिनेंगे, फिर ऐसे पीछे की तरफ ले जाके एक बार फिर सीधा बिनेंगे, ऊन आगे एक दो, ऊन पीछे एक बार दो बार, आगे दो उल्टा, ऊन पीछे, ये देखिए सीधा बिन लिया। तीसरा फंदा जो रहेगा फिर इसको एक बार पीछे की तरफ से ऐसे सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ एक दो, ऊन पीछे एक बार आगे से सीधा, फिर एक बार इसी फंदे को पीछे से सीधा आगे एक दो, ऊन पीछे से ऐसे आगे ऊन पीछे, ये एक फंदा सीधा, ऊन ऐसे पीछे करेंगे और फिर एक फंदा फिर से सीधा आगे सीधा और ये सीधा आगे दो उल्टा पीछे ऐसे, फिर पीछे की तरफ से ऐसे देखिए सीधा, फिर पीछे की तरफ से सीधा, ऊन आगे एक दो, ऊन पीछे सीधा और ये सीधा, ऊन फिर अपनी तरफ करके लास्ट का दो फंदा उल्टा। तो ये हो गई हमारी सीधी साइड, दो उल्टा और एक फंदे का दो फंदा हो गया जो हमने बढ़ा लिया है। अब रॉन्ग साइड से देखिए, जो हमने उधर से उल्टा बिना था इधर से ये हम दो सीधा बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये जो दो फंदे हमने बढ़ाए हैं इन दोनों फंदों को एक संग पकड़ के ऐसे साथ में बिन देंगे, फिर ऊन पीछे एक दो, ऊन आगे दोनों को एक संग ऐसे ऐसे पीछे एक दो, आगे दोनों को एक साथ पीछे सीधा आगे, ये जो दो फंदे एक संग है इसको हम इस तरीके से दो फंदा एक साथ अपनी तरफ करके, ये जो फंदे हमने बढ़ाए, बस याद रखिएगा कि ये जो दो फंदे हमने बढ़ाए उन्हीं का हमें दो का एक करना है, ऊन पीछे दो सीधा, ऊन आगे दो फंदे का एक फंदा, पीछे दो सीधा आगे देखिए पीछे दो सीधा आगे दो का एक, फिर ये पीछे करेंगे ये दो सीधा,
यही दो सिलाई हमको हर बार रिपीट करनी है। तो ये देखिए अच्छा सा केबल टाइप का डिजाइन ऐसे आ जाएगा। आप इसको किसी भी स्वेटर में डालिए, बेसिकली ये जेंट्स स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको आप बनाइए जिस प्रोजेक्ट में भी आपको यूज करना है, और ये डिजाइन मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।